मगध यूनिवर्सिटी 17/2019-22 पार्ट वन के सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, कल से एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम फॉर्म कल से ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। लास्ट डेट जो है 31 तारीख तक रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, कल से यानी 19 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 31 तारीख तक रखा गया है। सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को मालूम चलना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि छूटे हुए छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, छूटे हुए छात्रों का एडमिशन कैसे होगा और आप लोगों का एडमिट कार्ड परीक्षा कब से होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा परीक्षा फॉर्म भरने में, ये भी आपको मैं बताऊँगा सारी जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो और चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो और बगल में घंटी का ऑप्शन उसको भी दबा दो कि आने वाली पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों यदि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हुए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, यहां पर देख सकते हैं बड़ी खबर निकल कर आया है सभी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे छात्र जो हैं मगध विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, 17/2019-22 पार्ट वन वाले स्टूडेंट्स विश्वास ही नहीं कर रहे थे। कल को मैंने अपडेट वीडियो डाला था, कल को मैंने 17/2019-22 पार्ट वन के छात्रों के लिए एग्जाम फॉर्म जो है आप लोगों का शुरू हो गया है, कल से यानी कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है, 19 तारीख से मैंने वीडियो डाला था। लेकिन बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर मगध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी तक कोई ऐसा न्यू वेबसाइट यानी न्यू अपडेट जारी नहीं किया गया है, नोटिस कोई भी जारी नहीं हुआ है। दोस्तों मगध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आज न्यू नोटिस जारी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर देखिए, आज की इस न्यूज आर्टिकल के माध्यम से मगध विश्वविद्यालय ने शनिवार को स्नातक प्रथम खंड 19/22, जी हाँ दोस्तों 19/22 और तथा द्वितीय खंड 18/21 परीक्षा पत्र भरने की तिथि जारी कर दी गई है। जी हाँ, यानी साथ ही साथ 18/21 के भी स्टूडेंट्स का जारी हुआ है और 19/22 के प्रथम वर्ष यानी आप लोगों का जो है पार्ट वन का जो है स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए 19 तारीख से स्टार्ट है और 26 तारीख तक लास्ट डेट रखा गया है। लेकिन अगर 26 तारीख को मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स नहीं करा पाते हैं, परीक्षा फॉर्म नहीं भरवा पाते हैं, लेट हो जा रहा है, तो 31 अगस्त तक जो है मौका दिया जाएगा, ठीक है, और भी इसमें 31 अगस्त तक आप सभी स्टूडेंट्स भर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर पूरी जानकारी दी जाती है, कोई भी स्टूडेंट्स मिस ना हो इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ छूटे हुए छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि जो छात्र रजिस्ट्रेशन करना भूल गए हैं, छूट गए हैं किसी भी कारणवश, तो आपको एक अप्लीकेशन नामा लिख लेना है। अप्लीकेशन नामा में ये लिखना है कि हमारा किसी कारणवश जो है रजिस्ट्रेशन छूट गया है, कुछ भी मतलब जो भी आपका कारण है, कंडीशन है, वो लिख कर और वहाँ पर आप अपना ले जाकर अपने कॉलेज में यानी महाविद्यालय में ले जाकर अपने किसी भी हेड अधिकारी या प्रिंसिपल को पकड़ा दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जो है तुरंत आपका कर लिया जाएगा, ठीक है, और उनको यह भी बोलिएगा कि सर एग्जाम फॉर्म जो है हमारा शुरू हो गया है, हम रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाए हैं, हमारा कोई ना कोई कंडीशन कोई कारण बताइएगा ऐसा जो उनको विश्वास हो जाए और आपका रजिस्ट्रेशन जो है तुरंत स्वीकार कर लिया जाएगा वहीं पर आपके कॉलेज में ही, ठीक है। तो जो भी छात्र छूटे हुए हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जाकर करवा लें कॉलेज में। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों का जो छात्र छूट गए हैं एडमिशन करवाना, वो भी जाकर कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, कॉलेज से संपर्क करेंगे आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। अब परीक्षा फॉर्म आप लोगों का कल से शुरू होगा, ये तो आपको मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सवाल किया है कि सर डॉक्यूमेंट बताइए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार सवाल कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ पूरी जानकारी के साथ, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, किसी भी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि डॉक्यूमेंट में आपका फोटो लगेगा, फोटो के बाद सिग्नेचर लगेगा, नोट कर दीजिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, फोटो सिग्नेचर आधार नंबर लगेगा, फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लगेगा, मोबाइल नंबर के बाद आपका 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा। ध्यान से सुने, अगर 10th 12th का मार्कशीट आपने कहीं रख दिया है तो फटाफट जो लीजिए, खोज लीजिए अपने घर में फटाफट, ठीक है, तैयार कर लीजिए। 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, पार्ट वन का मार्कशीट रहेगा, ठीक है, बस यही सब डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद आपका एग्जाम फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा, भरा जाएगा, ठीक है। आप किसी भी साइबर कैफ दुकान के माध्यम से जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं, एग्जाम फॉर्म भरवा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एडमिट कार्ड आपका कब जारी होगा। देखिए दोस्तों एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, एडमिट कार्ड जो है आप लोगों का, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, 31 तारीख तक जो है यहाँ पर डेट रखा गया है, 31 तारीख तक जो है डेट रखा गया है, ठीक है, इस लास्ट महीने तक जो है एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा।
एडमिट कार्ड जो है आप लोगों का 6 तारीख या 7 तारीख को जारी हो जाएगा अगस्त में, ठीक है। अगले महीने 6 या 7 तारीख को आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा मगध यूनिवर्सिटी द्वारा। और एग्जाम फॉर्म, एग्जाम जो है आप लोगों का, परीक्षा जो है आप लोगों का सेंटर द्वारा लिया जाएगा। परीक्षा आप लोगों का 15 या 16 तारीख को सेकेंड वीक में लिया जाएगा अगले महीने, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम चल गया, क्योंकि डॉक्टर देखिए परीक्षा नियंत्रक भृगुनाथ सिंह ने जो मगध विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उन्होंने साफ स्पष्ट किया था अगले न्यूज आर्टिकल में कि परीक्षा फॉर्म बीतने के बाद सीधा उसके एक सप्ताह बाद जो है परीक्षा लेना शुरू कर दिया जाएगा। तो आपका जो है अगले महीने सेकेंड वीक में जो है 15 या 16 तारीख को जो है परीक्षा का रूटीन जारी हो जाएगा और परीक्षा लेना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द ये सब खत्म किया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो आप लोग भी चाहते ही हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा खत्म हो जाए, जल्द से जल्द परीक्षा हमारा कंप्लीट हो जाए, आप लोग चाहते हैं ना बिल्कुल। तो आप लोग वीडियो को यार शेयर कर दो सभी दोस्तों को, सभी दोस्तों को मालूम चलना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन मिला ही है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें आप सभी स्टूडेंट्स को। चैनल पर न्यूज़ है तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक कर दो, बगल में घंटे का ऑप्शन उसको भी दबा दो कि आने वाली पूरी जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले इस चैनल पर। और हाँ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलना, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, अभी फटाफट जुड़ जाओ, ठीक है टेलीग्राम ग्रुप से। तब तक के लिए हम वीडियो को ऐसे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। वीडियो को एक एक दोस्तों के पास शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जो भी आप एप्लीकेशन चलाते हो उस एप्लीकेशन में शेयर कर दो, ग्रुप चलाते हो ग्रुप में शेयर कर दो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। तब तक के लिए जय हिंद।